हेलो, अब आगे चलते हैं अपन। तो वॉल पैनल जो हमारा चल रहा था इस पर हम थे हमका। हाँ, तो इसमें कितना जितना मैंने बनाया उतना कंप्लीट हो गया था आपका? हाँ सर, कंप्लीट था। बस नीचे वाला जो था ना, जो एक के ऊपर एक है, जैसे उसके जो नीचे वाला है इसमें प्रॉब्लम आई थी सर बनाने में। हाँ, ये वाला ना, ये वाला। हाँ हाँ सर, इसको एक बार दोबारा बता दो बस, बाकी तो बना दिया था सब। हाँ, देखो इसको सीधा सिंपल है बनाने के लिए। क्या है, जब देखो इसमें क्या होता है कि आप ये जो वेक्टर है ना दोनों, देखो मैं इसको छोटा करके बता देता हूँ। इन दोनों को ले लिया हमने, ठीक है, और इनका वेक्टर को हम एक नए उस पर ले लेते हैं। इसी पे बता दो, वो लेयर ऑफ करके दूसरा बना वो एक बनाना ही है। लेयर पे दोनों। अच्छा हाँ हाँ, वो सॉरी। दिक्कत नहीं है, मैं 2 मिनट में बना दिया, हो गया। कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल वी कर दिया, डुप्लीकेट हो गया, F9 कर दिया, सेंटर हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वेक्टर बनाना है, स्मूथ करना है। जिसको शेप एडिटर में डालना है उसको शेप एडिटर में डालिएगा, यानी कि जो आपका क्लोज वेक्टर है वो आपका शेप एडिटर में जाएगा, और जो ओपन वेक्टर है वो आपका क्या जाएगा, टू रेल शेप में जाएगा। फील्ड बराबर, में ठीक जाएंगे है। तो मैंने ये जी। वाला क्रॉस सेक्शन हो रहा है, इसको और ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से क्या करेंगे, शेप एडिटर से लेंगे, बिकॉज ऑफ द क्लोज वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें मैंने क्या किया, मैक्सिमम तो इसका राउंड शेप दिया पहले, फिर मैक्सिमम इसको एंगल दे दिया, यानी कि 90 डिग्री एंगल या 89 एंगल दे दिया। उसके बाद इसको टोटल हाइट मैंने 10 दिया। कैसे, 8 तो दिया मैंने इसकी कर्विनेस को, हाइट को, 2 दिया मैंने स्टार्ट हाइट को। जी ओके, देन उसके बाद ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टूल होता है मेरे पास, टू रेल शेप, इस पे क्लिक किया और यहाँ से वो क्रॉस सेक्शन को ऐड करा दिया। देन यहाँ से ऐड द क्रॉस सेक्शन। सो देखिएगा इस तरीके का आपका ऑब्जेक्ट आएगा, बराबर। जी और हाँ जी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको मर्ज हाई करना है, जिससे इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट इसमें मर्ज हो जाएगा। बट ये हाइट बहुत ज्यादा है, अब लिमिट टू हाइट करके मान लो मैंने 10 mm कर भी दिया इसको, अब भी ये अच्छे से नहीं आएगा। ये देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो शेप तो मेरा कैसा है, ऐसा राउंड शेप है, बट यहाँ पे देखो स्ट्रेट खड़ा हुआ आ गया है, देखो इधर, ठीक है। इसी तरीके से देखो जी यहाँ पे सही नहीं है। तो अब ये जो अलग जो क्रॉस सेक्शन है ना, इस क्रॉस सेक्शन को हमको कम से कम ऐड कराओ 8 to 9 times, ठीक है। देखो जैसे ऐड कराता जा रहा हूँ नंबर्स आ रहे हैं, बराबर। इनसे क्या होगा, जी आपका हाँ जो जी शेप है ना वो इक्वल हो जाएगा। मान लो जैसे ये शेप है, तो यहाँ पे 10 के 10 मैंने ऐड करा दिए, ये देखो। अब हमें क्या करना है, इनको एडजस्ट कराओ, यहाँ पे इसको रखा, इसके पैरेलल रखना है अपने को। ये क्रॉस सेक्शन वही ऐड कराऊंगा, इसको यहाँ पे रखा मैंने, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, देन 7 को 7 के लेवल में ले आएंगे, एंड 6 को 6 के लेवल में ले आएंगे। अब ये 6 और जो 5 है ना, उसको ऐसे कॉर्नर पर रख दो, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, तो ये वाली जो चीज है ना बिल्कुल इक्वल हो जाएगी आपकी। देखना, अभी 4 को 4 के लेवल में ले आओ, 3 को 3 के लेवल में ले आओ, एंड 2 = 2। तो अब सर देखो, हम इसे हाँ ना अलग लेयर में भी बना सकते हैं ना वैसे। हाँ अलग लेयर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ, हम यहां से ही इसको अलग लेयर में ले लो ना, क्या दिक्कत है। ओके लगाने के बाद भी इसको आप अलग लेयर में, बट इसको लेयर को फिर मर्ज हाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
ये वाली जो जी लेयर ऑप्शन जी है ना, इसको यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से भी लेयर मर्ज हाई कर सकते हो, और यहाँ पे दो बार क्लिक करोगे प्लस वाले पे तो भी आपका कंबाइन मोड आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ाओ आप, अभी दस, ओके सर, हाँ अब इसको 15 कर दो आप जैसे, तो ये देखो आपका 15 mm हो जाएगा, ये देखो बिल्कुल बराबर है ना उसके नीचे है ना लेवल में, और ये देखो सब राउंड आ गया, यहाँ जी पे हमें स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और थोड़ा बढ़ा लो, ये 20 कर दिया हमने, कोई नहीं बाद में हम इनको एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लेवल में ले आए। अप्लाई कैंसिल, ये देखो ये मॉडल होगा आपका इस तरीके से, ये देखो जब टॉप से देखोगे तो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा आपका, ये देखो बराबर ना, जी हाँ जी ठीक है। तो इस तरीके से होगा अपना ये। सर, वो आर्क जैसे हम बनाते हैं, एक पॉइंट और था मेरा, जो आर्क बनाना, एक हाँ ये मैंने एक आर्क बना ली, इसका मिड पॉइंट से हम इसको पिचकाते हैं ना वो। हाँ हाँ ये, जी हाँ देखो इसको क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम खींच दो, खींचने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप नोड एडिटिंग टूल को सिलेक्ट करें एंड यहां से राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट एंड स्पेन टू बेजियर करेंगे पहले तो, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट बी। अब जी उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें जी पॉइंट ऐड कर दो, इंसर्ट एंड मिड नोड कर दिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो तीनों साइड के सिलेक्ट होने चाहिए, दोनों लेफ्ट राइट एंड मिडिल वाला, देन उसके जी बाद इसको नीचे लेके आओ आप, ये इस तरीके से। हाँ सर, इसमें ना कॉर्नर बन रहा था वो मैंने किया। हाँ वो कॉर्नर इसीलिए बन रहा होगा कि हमारा जो पार्ट है ना वहां पे एक पर्टिकुलरली पोजिशन को पकड़ के ऐसे कर रहे होंगे आप, तो वो पर्टिकुलरली ऑप्शन ही जा रहा होगा आपका। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ू और इसको नीचे लाऊं तो ऐसे कॉर्नर बन गया होगा, तो हाँ सर दोनों साइड के आपके टेंजेंट्स भी सिलेक्ट होने चाहिए, तभी हमारा वो वर्क करेगा। ठीक है सर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब जी देखो इसमें क्या है और क्या चीज डिफिकल्टी लग रही है आपको, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है देखो, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आइएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आइएगा, ठीक है, और इसमें भी कौन सी शेप है आपकी, वही वाली शेप है, कौन सी जो हमने ये यूज कर रखी है, यही वाली है, इसको पकड़ो कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है, एंड उसके बाद आप क्या करो इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू रेल शेप, इसको एक नई लेयर में लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम सेपरेटली ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो नई लेयर में ही काम करेंगे। मर्ज हाई कर दो इसको कहीं पे, वैसे टच तो नहीं है फिर भी हम मर्ज हाई लेके चल रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी मान लो हो भी जाए, ठीक है, तो इसको उसके बाद एड क्रॉस सेक्शन, ये आ गया, ये देखिएगा वही मेरा लिमिट टू हाइट में इसको कर दूंगा, हम कितना लेके चले थे 10 mm, तो इसको 10 mm कर दीजिएगा, ये देखो उसके बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, ये देखो बराबर ना, ठीक जी है, ये अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल किया, ठीक। अब यहाँ पे आप आओ, देखो ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कैसे बनेगा, देखो इसमें भी बहुत इजी सा फंडामेंटल है, ठीक है, कि हमें क्या करना है कि आप यहाँ से पहले वेक्टर बनाएंगे, ठीक राहुल जी, कुछ क्लियर हो रहा है ना आपको, ठीक हाँ सर, हो रहा है क्लियर। अब जब मैं वेक्टर बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि क्रिस्ट कौन सा टूल यूज होगा इसमें, जब टच टू टच में सारा बना रहा हूँ तो एटलीस्ट क्लोज वेक्टर ही बनेगा मेरा, जी बराबर ना, जी
गेट बंद कर दिया लगे। ये बनाया, सिलेक्ट किया। और ज्वाइन कर दो, जे इज इक्वल टू ज्वाइन टूल सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड एडिटिंग टूल लेंगे और इसको क्या करेंगे, स्मूथ कर देंगे। कॉर्नर पॉइंट को नहीं लेना है। पहले इतना को स्मूथ कर लीजिएगा एक बार। स्मूथ देख लो कहीं पे कुछ खराब तो नहीं हुआ है, वो एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है। दोनों ये देखिए, ठीक है। अब इस पूरे को जी थोड़ा सा इसको कर्व कर दो, ये कर्व कर दिया। इसको भी थोड़ा सा कर्व कर दो, ऊपर उठा दो ये। ठीक है, अब इसको सेव एडिटर में आ जाओ, नई लेयर लेंगे। ठीक है, मर्ज ही रखेंगे, फिर भी कोई मर्ज नहीं है, फिर भी हम रखेंगे। सेव एडिटर में आएंगे, वही हम क्या करेंगे, इसको राउंड शेप लेंगे, मैक्सिमम एंगल करेंगे, लिमिट टू हाइट, और वही 8 और 10 का रेशियो लेके चलेंगे, 8 और 2 का। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरे पास, ये देखो। ठीक है, इस तरीके का शेप है वहां। जी अप्लाई कर दिया, कैंसिल किया, ठीक है, ये शेप आ गया मेरे पास। तो हर ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इसी तरीके से वैल्यू में डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बीच में देखो, इमेज में दिखाता हूँ मैं आपको क्या है एक्चुअली। इमेज में है आपका कि यहाँ पे देखो कुछ छोटी छोटी लाइन से अंदर की ओर जो जा रही है, बराबर ना। ये देखो जी गैप्स हाँ है, जी ये गैप्स कैसे बनेगा बताओ मुझे। हाँ सर, एक्सट्रूड टूल से लाइन लेके और एक वो बनाएंगे प्रोफाइल, और एक्सट्रूड टूल से बन जाएगा सर। राइट, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक लाते हैं, एक जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनसे वहां से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से यहां से आगे आओ, फिर इस वाले पॉइंट को पकड़ो, यहां पे लेके आगे थोड़ा सा, ठीक है, इस वाले पे चाहो तो दे दो एक छोटा सा आगे की ओर, कोई नहीं, एक यहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर, ये रख लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने रख लिया। अब इनके लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाना है। आर टूल जी को पकड़ो, यहां से ऐसे कर लिया, इसका एक रिफ्लेक्शन मार दिया, दोनों को सिलेक्ट कराया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं पहले एक बार। अब इसके जो ये दोनों पॉइंट है ना, इनको पकड़ो और ऊपर से तो फ्लैट कर दो जैसे, तो उससे क्या होगा, राउंडनेस आ जाएगी अभी बराबर। जी ओके, ओके
अब इसका साइज देखते हैं क्या है। देखो विथ 14 बहुत ज्यादा है, इसको 7 कर दो, ये काफी रहेगा। ठीक है, अब एक और इसका डुप्लीकेट ले लो, उसका ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट कराओ, इसको कर दो विथ 2, विथ 2 कर दिया तो 1.7 रह गया। बट ये आपका तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, इसको करा दो आप। ठीक है, और इसको इसको कराओ और भी कम, 1.8। अब ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, इसमें क्या करेंगे हम, एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करेंगे। कर लिया, उसके बाद 3D व्यू में आ जाओ और वेक्टर पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, देखो अब आप ये चीज देखो कि मेरा वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मेरा यह है कि इस साइड से इस साइड जा रहा अंदर की ओर, बराबर। तो यही चीज मुझे चाहिए थी। हाँ जी, तो पहले मैं बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन लूंगा और यहां पर स्टार्ट प्रोफाइल में क्लिक कर दिया। फिर मैं छोटा वाला प्रोफाइल लूंगा और एंड प्रोफाइल में सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहां से सेंटर लाइन यूज कर देंगे, बराबर। देखो बड़े से छोटा होता हुआ चला गया ना अपने आप। अब अप्लाई कराओ। और सर ये जे मॉड्यूल का क्या सीन है? जेड मॉड्यूल क्या कहता है, तीसरा मॉड्यूल जो नीचे आ रहा है। हाँ, जेड मॉड्यूल का क्या काम है, तीसरा वेक्टर जब रेडी होता है ना आपका, उसमें क्या है कि उसमें कितनी जो अपनी इंबोसिंग इफेक्ट है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको भी बताएंगे। इंबोसिंग इफेक्ट को कंट्रोल करता है अपने, ये हमने बना दिए। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे क्या है, स्मूथनेस चला दो थोड़ी थोड़ी, स्मूथ टू लेंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ चला देंगे यहाँ पे। थोड़ा बहुत यहाँ पे चलाना है, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चला दिया, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पे चला दो थोड़ा बहुत, ये मशीन में नहीं दिखता आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना जी। बन गया हमारा ये, देखो। तो हर ऑब्जेक्ट आपका हाँ जी इसी तरीके से बनेगा। अच्छा मुझे ये बताओ राहुल, कई जो सर्किल वाला पार्ट है ये दिख रहा है, हाँ बना सकते हो आप? कौन सा सर? ये वाला लीफ वाला। हाँ ये सर वाला। बन जाएगा, बना लोगे ना, तो इसको ट्राई करना। हाँ सर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुमको इसका लोटस वाला, ये वाला देखो जी। पहले तो इसमें क्या करेंगे, वेक्टर बनेंगे आपके, वेक्टर बनाओ। राइट क्लिक क्लोज विद स्मूथ लाइन, अब क्या करना है, यहां पर आ जाओ, देखो तो नीचे की शेप क्या है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें दिखानी जो साइड वाली जो शेप है वो परफेक्ट होनी चाहिए हमारी, बस। क्लोज विद स्मूथ लाइन ये बना दिया। दूसरा पोर्शन
हाँ ले। ओके ये ले लिया हमने। जी सर। अब जैसे ये है वैसे ही नीचे की साइड भी है ये तीनों, तो हाँ जी इसको क्या कर देते हैं हम, राइट साइड किया, ट्रांसफॉर्म टूल लिया, अब इसको क्या करते हैं अपन रोटेट कर लेते हैं। जी सर। अच्छा सर, हम इसे एक सिंगल लाइन लेके, और जो इसमें लिखा है इन सिलेक्टेड लाइन, ऐसे भी मिरर कर सकते हैं ना कौन से वाला सिलेक्टेड लाइन? सर? इसी में मिरर में आता है, तो मैंने किया था, तो एक सिंगल लाइन बना के ना, जो मैंने मिरर किया तो वो सेम डिट्टो वैसे मिरर आ गया था पेपर हाँ, वो भी आ जाता है। में। हाँ, टेपर में ही आ जाएगा। मान लो जैसे आपने कोई भी एक लाइन बना दी, तो ये आपने एक कर्व बना दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका ये आपका मिरर में आ गया, ठीक है, यहाँ पे जॉइन विद भी मिरर वेक्टर, यही बोल रहे हो ना? नहीं नहीं सर, ऊपर वाला जो आ रहा है ऊपर। हाँ तो ये, ये हाँ, इन सिलेक्टेड लाइन ना, तो इन, जी। हाँ, कहते हैं ओपन ग्रुप और एन आर्क मिरर। ओके, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये कहीं ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा मिरर हो जाए, ठीक है। मान लो उस वेक्टर को पूरे को आपने, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, इसको आप क्या कराओ सर यहाँ, जैसे तीन है ना, तीन अपने हैं, तीन जैसे यहाँ पे तीन नीचे कॉपी करने हैं, हाँ तो सेंटर वाले में एक लाइन बना दो सेंटर टू सेंटर, और हाँ इन तीनों को उठा के मिरर करेंगे तो वो डायरेक्ट मिरर वहीं ले लेता है हाँ जहां पे वो वहीं बंद पे है। जाता है, वहीं पे जाता है, बट वो जी इसमें क्या जी है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आपका स्लांटेड में है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्लांट में है आपका, ठीक है, वो दिक्कत हो सकती है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कराओ आप, इन दोनों को, ठीक है, नई लेयर ले लेंगे, ठीक है, और यहां से क्या करते हैं, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो हमने 10 mm टोटल लिया है, बराबर, शेप एडिटर जी जी लो, ठीक है, अगर मैं यहां से राउंड शेप चलाऊंगा तो ऐसे उठता हुआ जाएगा और ऊपर की ओर उठेगा ये, ठीक है, हाँ जी और जबकि डिजाइन कैसा है मेरा, देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट सीधा आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे से अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो हाँ वो जी अपन देखेंगे अभी, ठीक है, इसको दोनों को सेलेक्ट करा लो, ठीक है, इसको क्या कराओ आप, एंगल दे दो मैक्सिमम, उसके बाद क्या करना है आपको, लिमिट टू हाइट में आ जाओ, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, मान लो जैसे आपने हाइट में दे दिया 2 mm, ठीक है, 2 mm दे दिया, अब इसको क्या कराओ आप, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज डाउन जाएगी, कौन सी वाली, ये हाँ वाली चीज जी डाउन होगी यहाँ पे, तो जी क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टूल है, कर्व टूल, स्मूथ टूल के अंदर कर्व टूल है, इसको जी पकड़े, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और यहां से क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से चला देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा अमाउंट है इसका भी, ठीक कम कराओ, ये इस टाइप से मैंने एक इसको डाउन कर दिया, ठीक है ना, ये देखो डाउन हो गया, जी इस साइड से डाउन हो हाँ गया, ऐसा ही हम क्या करेंगे, इस साइड भी डाउन करेंगे, ये हमने डाउन कर दिया, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले वेक्टर को सिलेक्ट कराओ, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, शेप एडिटर में आ जाओ, ठीक है, यहां से वही राउंडनेस मैक्सिमम, और इसको मर्ज हाई, ठीक है, उसके बाद वही पोर्शन करना, लिमिट टू हाइट, जी अब हमें कितना करना है, देखो यहाँ पे आप 2 mm तो रखेंगे नॉर्मल, ठीक है, तो ये देखो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर निकल गया कि नहीं निकल गया, ये देखो, हाँ जी ये देखो, ये देखो, अब हाँ जब जी टॉप से आप देखोगे ना इसको, तो आपको यही चीज नजर आ जाएगी, ये देखो डेप्थ आ गई, यहाँ पर डेप्थ नजर आ रही है, वो चीज हो गया हमारा, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर जी दो, फिर उसके बाद अब क्या होगा, इसमें डेप्थ आ रही है, तो इसके भी डेप्थ बनाओ आप, सेलेक्ट कराओ, इसीलिए वेक्टर बनाया है हमने, ठीक
नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारी वो शेप आ जानी चाहिए, जो कर्व जो जा रहा है वो कर्व आ जाना चाहिए बस। ठीक है, अगर वो आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करा दो, ठीक है, इसको भी शेप एडिटर में ले लो, राउंड शेप मैक्सिमम फर्स्ट टू हाई। अब देखना, अब अगर अपन इसको 2 mm करते तो क्या रहेगा, ठीक है, आगे देखो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली 2 2 6 होता जा रहा है आपका, ठीक है, बट ये देखो क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, इसको आप देखोगे ना बिल्कुल सही आ रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा ना ऊपर उठा दो, इसको कर दो आप 4 mm, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया हमने इसको, फ्लैटी कर दिया, ओके, ये फ्लैटी कर दिया, अप्लाई कर दिया, कैंसिल किया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अपने को ये वाली चीज को लेना है, ठीक है, तो ब्रश को और थोड़ा छोटा करना है अपने को, ठीक है, यहाँ पे अपने को स्मूथ करना है, ये हो गया डाउन बराबर है, इधर थोड़ा सा कर लो, ये कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पकड़ो, ठीक है, और यहां से इसको शेप एडिटर दिया, राउंड शेप किया, मैक्सिमम किया, ठीक है, और यहां से अब क्या करेंगे, इसको लिमिट टू हाइट कर दो 6 mm, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये वाली चीज। अब वहां पे एक बार चेक कर लो कि राउंड है कि कैसा, ये थोड़ा गोल है, गोल टाइप में है आपका, ठीक है, तो क्या करना है, इसको फ्लैटी रेस की जगह अपन इसको लिमिट टू स्केल टू हाइट कर देंगे। अब स्केल टू हाइट में वो नहीं रहेगा ना, देखो नीचे, तो अब क्या करेंगे, इसको 3 mm हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया इसको, ये 3 mm स्ट्रेट कर दिया, ये देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका डिजाइन आ जाएगा, ये देखो ऊपर से ये राउंडनेस आ गया, ठीक है, ये देखिए, तो अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया। अब इसको क्या करते हैं अपन, टॉप व्यू में आ जाओ, यहाँ पे चेक करो, ये बना आपका फ्लावर, ये देखो बराबर, ठीक है। अब बाद में इसको थोड़ा थोड़ा स्मूथनेस कर देंगे हम लोग, तो उससे प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये चीज निकल गई, अब यहाँ पे ये वाली शेप आएगी आपको, ये वेक्टर, ठीक है, ये इसके ऊपर है, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, ये अलग लेयर पे लेनी पड़ेगी सर हमें। नहीं, इसी लेयर पे बना लेंगे, अच्छा इसी लेयर पे बन जाए, हाँ अच्छा इसमें ड्रिल यूज करेंगे हम। मर जाए, ठीक आ गया, यही चाह रहे थे ना जी आप, सर। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो वो बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जो फ्लावर है तो वो एकदम एग्जैक्टली नहीं होता है, बराबर ना, जी हाँ जी ये देखो इस तरीके से है ये आपका, ये देखो इसके ऊपर आ गया ना, ये देखो जी अप्लाई कर दिया एंड कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो थोड़े छोटे से गड्ढे हैं दो, ये देखो ये दिख रहे हैं आपको, ठीक जी है, ये गड्ढे बनाने पड़ेंगे अपने को, तो ये है राहुल जी, इसमें पूरा अपन जैसे मैक्स में करते हैं ना, मैक्स में तो क्या है पॉलीगन्स को इधर उधर करते जाएंगे, इसमें क्या है जी अपन को शेप को इधर उधर करते जाना है, अपने आप बनता चला जाएगा, सब लाइन का खेल है। बस पूरा मतलब कि पूरा मोटिव ही लाइन है इसमें, और कुछ है ही नहीं, ठीक जी
देखो राहुल जी, तो कटिंग ही नहीं हुआ। रीजन बताता हूँ, जब भी आप कोई आर्क टूल लेते हो ना, तो उसका एक साइड का आपको कन्वर्ट स्पैन टू मेजर करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे ना तो नहीं होगा वो। कई बार ले लेता है, कई बार नहीं लेगा, बट अच्छा मोस्टली नहीं लेता है, प्रॉपर नहीं लेता। लेता तो है बट प्रॉपर नहीं लेगा। देखो इस टाइप की शेप थी इसमें, ठीक है, ये किया हमने और इसको थोड़ा सा डाउन। जी तो जब भी आप कोई आर्क बनाओ तो आर्क के बेस पे हमेशा उसको कन्वर्ट स्पैन टू बेजियर करना जरूरी है। हाँ बेजियर ठीक है सर। बराबर। सही यहाँ पे है। हाँ इस तरीके की शेप है इसमें डाउन, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डंप आ जाएगा। अब इस पे आ जाओ, यहां से स्टार्ट करा दो, यहां से। हाँ शेप एडिटर, राउंड शेप, मर्ज हाई। ठीक है, अब क्या है, इसको स्टार्टिंग हाइट दे दो आप 2 mm। ठीक है, स्टार्ट हाइट हमने कितनी दे दी इसको, 2 mm। टॉप से तो वही चीज दिखाई देगी हमें, ये देखो। हाँ तो ठीक है, ये वाला। ठीक है, और अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका एंगल को कर दो मैक्सिमम। ठीक है, इसको लिमिट टू हाइट कराओ और इसको कर दो 4 mm। ये फ्लैटीनेस आ गई, ये चीज है उसमें, ये वाला ऐसा। ठीक है, और थोड़ा कम करना है तो इसका एंगल को कम कर दो, 75 कर दो एंगल को, 75 के लिए। ये लो इस तरीके से, इसमें इस तरीके से मर्ज हो रहा है पूरा पूरा ऑब्जेक्ट अप्लाई। सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई थी। जैसे उसको इम्बोजिंग करते करते थे ना, जैसे अभी ये राउंड हो गया ना, साइड कॉर्नर से हाँ, ऐसे ज्यादा हो रहा तो उसकी जो अमाउंट है ना, जी। जो हाइट है, उस हाइट को कम ज्यादा करोगे तो कम करोगे तो उसकी हार्डनेस होती चली जाएगी। सर वो कॉर्नर जैसे हम लीफ बनाई है हमने अभी, तो लीफ तो एंडिंग तक आ रही है ना, हाँ उसमें क्या था, जैसे मैं बना के और उसमें डाल रहा था तो 12 से नहीं, शेप एडिटर से, तो क्या है ना, हाँ ऐसे बनाया एक और इसका नीचे मिरर किया जैसे। हाँ हाँ मिरर कर दिया। अब जी, हम क्या ज्वाइन करेंगे, करके, यहां से अपन क्या ले रहे हैं, कर्व ले लिया बराबर। अच्छा, नहीं सर शेप एडिटर ही से ज्वाइन करके ना, शेप इसको एडिटर। ज्वाइन करना है, ठीक है, इसको ज्वाइन हाँ कर जी दिया हमने, ये ज्वाइन कर दिया और इसको कन्वर्ट स्पैन टू मेजर कर लिया। ठीक है, जी अब अपन क्या करते हैं, एक्सट्रूड टूल ले लिया। ठीक है, लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको राउंड शेप दे दिया। ठीक है, अभी आपका एक तो ऐसे ही हाँ, आ जब गया। सर ये एंडिंग टू एंडिंग आ रहा है ना, तो वो पहले ही राउंड हो रहा था, वो शायद बेजियर की वजह से हो रहा था मुझे लगा। नहीं, वो मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपका यहाँ पे स्क्वायर हो, यहाँ पे इसको लिमिट टू हाइट कर दिया हो, ऐसा हो रखा हो, माइट भी ऐसा। तो वो आपको एक बार जैसे वो चेक, अभी एंड स्टार्टिंग टू एंडिंग आ रहा है ना वो, लेकिन उसमें नहीं आ रहा था, उसमें क्या दिक्कत थी। मैं तो एक बार अगर चेक देखता कर। हूँ आज, मैं उसी फाइल को देख के ना आपको भेजूंगा एक बार चेक हाँ करना। चलो ठीक है, तो देखो अभी बन जाएगा ये। ठीक देखो है इस तरीके से हमने ये ऑलमोस्ट आपका ये वाला चीज देखो इतना बना दिया हमने, बराबर आ रहा है ना शेप, ये देखो। जब जी सर। कटिंग होगा तो आपका बराबर कटिंग होगा ये वाला। ठीक है,
हाँ जी सर, ये वाली चीज है, तो इस तरीके से करते हैं हम लोग इनको। ओके अभी हो ठीक है जाएगा? सर, समझ। हाँ हाँ तो जी, हाँ हाँ इसको करो, और वीडियो मैं तुमको अभी लिंक में दे देता हूँ, ठीक है? यूट्यूब का लिंक दे जी दूंगा, क्योंकि मेरी ड्राइव फुल हो गई तो मैं लिंक डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा, ठीक है?